हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल एब्सोल्यूट हेल्थ पर और मैं हूं आपका दोस्त कृष्णा। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग रोज़ एक नया योगासन सीख रहे हैं, रोज़ एक प्राणायाम भी सीखते हैं, उससे क्या क्या फ़ायदे होते हैं वो सारे मैं आपको बताता हूं कि इसको नहीं करना चाहिए, मैं आपको बड़े विस्तार से बताता हूं। तो आज भी हम लोग कुछ ऐसा ही एक योगासन सीखने वाले हैं जो बहुत ही बढ़िया है। वो खासतौर पर अगर आपकी स्किन जो है ना बहुत जल्दी झुर्रियाँ पड़ जाती है या पड़ रही है, उम्र हो गई है, तो उसको ये सही करता है और जो स्किन है उस पर ग्लो लाने के लिए बहुत काम का है। कला किसी को अगर रीढ़ की हड्डी कुछ इश्यू है तो उसको भी ये सही करता है। थाइस वगैरह है, फ्लेक्सिबिलिटी लेके आनी है तो ये वाले पोर्शन को भी ये ओपन करता है। तो ऐसे बहुत सारे फ़ायदों के साथ में हम लोग जो आज योगासन सीख रहे हैं, मैं आपको बताने वाला हूँ उसका नाम क्या है। लेकिन एक काम करते हैं, पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो वीडियो आप स्टार्ट से लेकर लास्ट तक देखिएगा और लास्ट में आपको अगर अच्छा लगे कि हाँ यार ये वीडियो जो है, ये जो योगासन जो है वाकई में बहुत बढ़िया काम की चीज़ है, आपके लिए बहुत बढ़िया है, तो आप इस चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अभी भले आप मत करिए। तो अभी बात करते हैं हम लोग क्या सीख रहे हैं। दोस्तों, आज जो हम लोग सीख रहे हैं उस योगासन का नाम है गतिमय गोमुखासन। जी हाँ दोस्तों, उसका नाम है गतिमय गोमुखासन। तो गोमुखासन दो तीन तरीके के होते हैं, उसमें से एक ये वाला है, दूसरा वाला भी और होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी आज हम लोग सिर्फ यही वाला सीख रहे हैं कि इसमें होल्ड नहीं करना है पोजिशन को, इसमें कंटिन्यू करना है। तो एक काम करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको सीख लेते हैं और उसके बाद हम लोग जो बाकी जो इसके क्या फ़ायदे हैं, कितने टाइम करना चाहिए, वो सारी बातें हम लोग करेंगे सीखने के बाद में। तो कैसे करते हैं, पहले एक बार देखिए, ये भी ऐसे ऐसे बैठे हैं। मैं आपको दो तरीके से बताऊंगा आपको कैसे करना है। एक, आप लोग ऐसे बैठे हुए हो जो सुखासन होता है अपना, आलती पालती मांड के, उसमें कुछ नहीं करना है। ये वाले को थोड़ा सा और पीछे की तरफ कर लेना है ऐसे, और ये वाले को इसके ऊपर ऐसे रख लेना है। अभी हम लोग देखिए, ये थे अभी दोनों साइड में थे, ये जो घुटने हैं दोनों साइड में थे। अभी इतना करना है कि जो घुटने हैं उनको एक सीट में लेके आने का कोशिश करना है। ये देखिए, ये इधर आ गया और ये इधर आ गया, ये एक साथ में, ये एक सीट में आ जाएंगे, ऑटोमेटिकली ये बाहर निकल जाएगा। और जब बाहर निकल जाएगा उसके बाद क्या करना है, ये दोनों जो है इसके ऊपर ऐसे हाथ से ऐसे पकड़ना है और यहाँ पर पहले ब्रीथ इन करना, सांस को अंदर लेना है और सांस को छोड़ते हुए आगे जाना है। देखिए, पहले सांस ले अंदर लेंगे एंड सांस को छोड़ते आगे जाएंगे, फिर से सांस लेते ऊपर आएंगे, सांस को छोड़ देंगे यहीं पर, फिर से एक बार सांस अंदर करेंगे एंड सांस छोड़ते जाएंगे, सांस को अंदर लेंगे एंड सांस को छोड़ेंगे। जब आप ये आगे की तरफ झुक रहे हैं तो आपका सारा, देखिए यहाँ पर आपका स्ट्रेच आएगा, अगर यहाँ पर नहीं आ रहा है इसके अंदर आप गलत कर रहे हो। आपका जो लोअर थाइस जो है यहाँ पर आपका स्ट्रेच आना चाहिए, बैक पर प्रेशर आना चाहिए और गर्दन पर प्रेशर आना चाहिए। पेट पे आप ब्रीद आउट कर रहे हो, प्रेशर नहीं आना चाहिए वहाँ पर, लेकिन वहाँ पर जो ना एक टेंशन जरूर रहेगा, प्रेशर जरूर रहेगा, वो ज़रूर होना चाहिए। लेकिन जो आपको दिखेगा, आपको लगेगा कि अरे यार ये दुख रहा है, तो वो होगा ये वाला पोर्शन। तो क्या करेंगे हम लोग, कुछ टाइम इस साइड से करेंगे कि पहले हम लोगों ने राइट लेग ऊपर रखा हुआ है तीन चार बार, अभी वैसे ही क्या करेंगे हम, लेफ्ट लेग को ऊपर रख लेंगे। तो अभी मैंने आपको सामने से करके दिखाया था, अभी आपको साइड से करके दिखाता हूँ, तो दोनों तरीके से आपको पता चल जाएगा। तो इसमें क्या करना है, ये देख लीजिए कि पहले आपको ये लेग ऐसे पूरे बाहर की तरफ करनी है, पर अभी देखिए अपने को जो लेफ्ट लेग है उसको क्या करना है, अपने को ऊपर रखना है, क्योंकि राइट मैंने अभी जस्ट ऊपर रखा था। तो अभी क्या करूँगा मैं, ये मैंने उठाया ऐसे और इसको साइड में से रख लिया, और ये राइट लेग नीचे ऑलरेडी नीचे आ चुका है, इसको मोड़ के पीछे की तरफ लेके आ गया, ठीक है। और अभी ट्राई करूँगा इसको मैं बीच में लाने का, ये आ गया, थोड़ा नीचे हो गया, ध्यान रखिएगा क्योंकि मैं ऐसे बैठा हूँ, आपको योगा मैट से ऐसे ही बैठना है, मैं ऐसे बैठा हूँ, योगा मैट मेरा ऐसा है, ऐसा नहीं रखना, आपको सामने तरफ रखना है ताकि आपको जो ये जो पोर्शन है वो योगा मैट ही रहे, बट आपको दिखाने के लिए मैं इस तरह से कर रहा हूँ। तो यहाँ पर रखा, ब्रीथ को इन किया और ब्रीथ को आउट करते हुए सामने की तरफ गए, फिर से यहाँ सांस लेते ऊपर आएंगे एंड सांस छोड़ेंगे। तो अभी मेरा जैसे कि पहले राइट लेग का ये मुझे फील हो रहा था नीचे, अभी मुझे लेफ्ट थाइस के निचले साइड में फील होगा, तो इससे क्या होगा, दोनों साइड की जो आपकी जो थाइस है वो ओपन हो जाएगी। तो ये अभी आपने देखा कि ये कैसे करना है। तो अभी क्या करना है आपको, कितने टाइम पर करना है, देखिए पहले क्या है, शुरुआत कर रहे हैं तो तीन से लेके पाँच बार आपको करना है, ज़्यादा नहीं करना, तीन से पाँच बार आपने किया यानी एक साइड से। अगर आप तीन बार आप राइट साइड से कर रहे हो तो आपको तीन बार ही लेफ्ट साइड से भी करना है। उसके अलावा अगर पाँच बार कर रहे हैं तो सेम इक्वल दोनों साइड से बराबर करना है आपको। और आप जो आगे की तरफ जा रहे हो तो वहाँ पर क्या आपका ब्रीथ आउट है, जब आप ब्रीथ इन करेंगे इसका मतलब आप ऊपर आ रहे हो, आपको वहाँ पर नॉर्मल ब्रीदिंग नहीं करना, जब आगे ऐसे झुके हुए हो वहाँ पर नॉर्मल ब्रीदिंग नहीं है,
ध्यान रखिए पूरा बाजू की तरफ झुक रहे हो, पेट प्रेशर आता है, नॉर्मल ब्रीदिंग नहीं करना है। ब्रीथ आउट किया, होल्ड किया, ब्रीदिंग करके ऊपर आए, तो वहाँ पर क्या करेंगे, ज़्यादा होल्ड में जरूरत नहीं है क्योंकि रेसिपी गति में है, ये कंटिन्यू होने वाला है, क्योंकि नॉर्मल वाला जो है वो गोमुखासन होता है उसमें हम लोग होल्ड करते हैं, इसमें होल्ड नहीं करना है। तो आप सिर्फ गए 2-3 सेकंड होल्ड किया फिर आ गए, ज़्यादा होल्ड नहीं करना उसे। तो ये तो भैया कितने टाइम करना है और कितने टाइम होल्ड करना है, अभी बात करते हैं इसकी फ़ायदे की। पहला तो ये कि आप जब आगे की तरफ झुकते हैं तो आपको जो फेस पर जो है ना ब्लड सर्कुलेशन वो ज़्यादा हो जाता है, फेस पर प्रॉपर जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो बढ़ता है। वो बढ़ने से क्या होता है कि स्किन की जो भी प्रॉब्लम्स होती है आपके चेहरे पर, जैसे कि किसी को झुर्रियाँ आ रही है तो वो इससे दूर हो जाएगी, क्योंकि स्किन जो रहेगी तो वो टाइट हो जाएगी। किसी का जो है नहीं सोते हैं तो यहाँ पर काले काले और दाग धब्बे हो जाते हैं, वो दूर हो जाएंगे, और यहाँ से आँख फूल जाती है, पफी आई जिसे बोलते हैं, ऐसा लगता है कि सूज गई है, वो यहाँ से दूर हो जाएगी। उसके अलावा जो पिंपल्स होते हैं, फोड़े फुंसी वगैरह कुछ होते हैं तो वो भी इसे दूर हो जाएंगे। उसके अलावा थोड़ा बहुत जो किसी का हेयर फॉल वगैरह हो रहा है तो वो भी इसे दूर हो जाएगा। और एक चीज़ और है इसके अंदर, जो आगे की तरफ जाते हो तो आपका जो लोअर पार्ट जो है, आपका जो थाइस वाला, वो भी इस पर काम करता है, उसमें स्ट्रेचिंग होती है, तो एक तो आपको फ्लेक्सिबिलिटी तो बढ़ती ही है, उसके अलावा आपका जो हिप्स जॉइंट है वो भी ओपन हो जाते हैं, और उसके अलावा जो मसल्स क्वालिटी है वो बढ़ जाती है। जब आप आगे की तरफ झुक कर रहे होते तो पेट पर बहुत प्रेशर आता है, तो पेट पर प्रेशर आता है तो जो भी पेट का इश्यू होता है, जैसे कि मान लो आपका जो ना डाइजेशन अच्छा नहीं है, पाचन तंत्र अच्छा नहीं है, खाना वगैरह से पचता नहीं है, या बहुत ज़्यादा एसिडिटी बनती है, डकारे आती है, या फिर वैसी चीज़ें कुछ होती है, तो वो भी इसे दूर हो जाता है। जिसको हम लोग बोलते हैं कि वायु विकार जो होते हैं, जो भी गैस से संबंधित जो प्रॉब्लम्स होती है वो पेट की सारी दूर हो जाती है। उसके अलावा आगे की तरफ झुके करते हो, लंग्स पर प्रेशर आता है, हार्ट जो है वहाँ पर प्रेशर आता है, तो लंग्स की और हार्ट की जो कैपेसिटी वो भी इससे बढ़ जाती है, और ये जो आप ये पिंडली जो है इसमें कुछ प्रॉब्लम होती है वो भी इससे दूर हो जाती है। तो ये तो रहे इतने सारे फ़ायदे, आप भी किसको नहीं करना है, देखिए सारे लोग कर सकते हैं, एज ग्रुप का इसके अंदर कोई इशू नहीं है, एज ग्रुप आप बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन एक टाइम होने के बाद मतलब 60 के ऊपर जाने के बाद आप थोड़ा सा किसी के साथ मतलब 55-60 के ऊपर अगर आपकी एज है तो आप किसी को गाइडेंस के साथ नहीं करें, अकेले बिल्कुल ना करें, और छोटे बच्चों के साथ बिल्कुल आपको किसी को रहना ही है। और इसमें क्या है, किसी अगर घुटना दुखता है तो उसको थोड़ा सा ये अवॉइड करना चाहिए, काफ़ी घुटना दोनों तरफ लेके आते हैं तो घुटने बहुत प्रेशर आता है, तो उसको अवॉइड करना है। दूसरा, अभी किसी का अगर पेट या कुछ ऑपरेशन हुआ है, पेट में कुछ भी ऑपरेशन हुआ तो उसको ये नहीं करना है, बाकी सारे लोग कर सकते हैं और कोई इशू नहीं है। अभी देखिए ये हमने सीख भी लिया, फ़ायदे बता लिए, किसको नहीं करना, सारी बातें हो गई। अभी मैं बात करता हूँ, जैसे मैंने पहले बताया था कि लास्ट तक दिखेगा, आपने यहाँ तक देखा इसका मतलब आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा होगा अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अब आप जाके जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही जो है ना बहुत सारे यूजफुल वीडियोस मिलते रहे। तो अभी उसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको पहले बोल देता हूं मैं। उसके अलावा अगर आपको कोई हेल्थ इशू है, आप चाहते हैं कि ये कुछ इशू है जिस पर मेरे को प्रॉपर वीडियो चाहिए, तो आप मुझे वो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए, मैं उस पर एक ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। तो ये तो रहा कि अपना शेयर कर लीजिए, इसको लाइक कर लीजिए, सब हो गया। लास्ट एक चीज़ और है वो आपके लिए, अगर किसी को ये वीडियो अच्छा नहीं लगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि क्या बात थी जो आपको ऐसा लगा, ये अच्छा नहीं है मुझे बताइए, वो मैं उसको सही करने की बिल्कुल कोशिश करूँगा। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते।